परिंदों के मोहब्बत भरे लाजवाब मधुर गीतों में पनपते जज्बों और अजीम मकासद के दरमियान हम गलियात के फलकबोस पहाड़ों में कभी न झुकने के लिए हमेशा से और हमेशा के लिए खड़े हैं। जब तक सूरज बाम फलक पर चमकता रहेगा, जब तक सूरज उफक पार उतरता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हम फलकबोस पहाड़ों के दरमियान खड़े रहेंगे। अमली जिंदगी में एक बावकार और कामयाब शख्सियत की तामीर के जिम्न में जब भी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तालीमी इदारों का जिक्र होता है तो लॉरेंस कॉलेज गोड़ा गली हिमालिया के दामन में अपने क्याम 1860 से पूरी आबोताब के साथ मसरूफ अमल नजर आता है। रोशन मुस्तकबिल की नवीद देता लॉरेंस कॉलेज एक शानदार ख्वाब की ताबीर है। 1860 में गोड़ा गली में कायम होने वाले लॉरेंस कॉलेज ने पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तालीमी इदारों में सरे फहरिस्त रहते हुए हमेशा अपनी इनफरादियत बरकरार रखी है। तलबा के लिए कॉलेज में हवादार क्लासरूम्स, तजरबागाहें, कुतुबखाने, खेल के मैदान, कुशादा हाउसेस और अस्पताल की सहूलियात मुयसर हैं। कॉलेज के अकबी हिस्से में वाके गिरजाघर मुनफरद तर्ज तामीर की शानदार अलामत के तौर पर इस्तादा है और सरसब्ज चोटियों के लामुतनाही सिलसिले के रूबरू कॉलेज के अजीम मकासद और उसकी हदूद को ताहद नजर वुस्त अदा करता है। मस्जिद से लेकर गिरजाघर तक का सफर गैलियंस के रवायती जमालियाती जौक के साथ साथ मजहबी रवादारी का मजहर भी है, जिसका अक्स कसीरुल सकाफती हाउसेस, खेल के मैदानों और क्लासरूम्स में नुमाया देखा जा सकता है। यहाँ गैलियंस एक साथ रहते हैं और इंसानियत के जज्बे के जेरे असर परवरिश पाते हैं। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली नस्ले नौ में शौर आगही के अजीम अहदाफ और नजरियात के फरोग का आलम बरदार है। नस्ले नौ की बेहतरीन तालीम और तरबियत के मकासद के हुसूल की दास्तान यहाँ रोशन ख्याली और इल्म की लाजवाल रोशनी में डेढ़ सदी से जायद अरसा से तारीख के रोशन बाब की सूरत रकम की जा रही है। लॉरेंस कॉलेज पाकिस्तान का कदीम तरीन इदारा है जो अपने आला मकसद के हुसूल में कभी नाकाम नहीं रहा। 1920 से पहले लॉरेंस कॉलेज का निशान एक उकाब था जिसका नस्बोलैन ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स था, जो बाद अज़ां नेवर गिविन हो गया। इदारे का मकसद बच्चों की जहनी और जिस्मानी परवरिश करते हुए उनकी बेहतरीन खूबियों को उजागर करना है, यही इदारे के निसाब का मकसद है। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियां हमारे तलबा को तख्लीकी और तहकीकी मौके फराहम करती हैं ताकि नस्ले नौ सीखने के नए अंदाज और तकनीक के जरिए परवान चढ़े, बदलते हालात के तनाजुर में नए ख्यालात और इल्म को जन्म दे और तजरबाती सरगर्मियों के जरिए अपनी सलाहियतों को आजमाए। लॉरेंस कॉलेज का निसाब सिर्फ अंग्रेजी, उर्दू, साइंस, रियाजी, मुआशरती उलूम, इस्लामियात, कंप्यूटर, फनून लतीफा और मौसीकी के गिर्द ही नहीं घूमता, बल्कि ये तलबा को अखलाकियात और इंसानियत के साथ साथ रूहानियत के सांचे में भी ढालता है ताकि वो अमली जिंदगी में मुल्क के कारामद और मुफीद शहरी साबित हो सकें और ये नौजवान तमाम शोबाहाए जिंदगी में मुतासर कुन कारकर्दगी दिखा सकें। हमें ये एजाज हासिल है कि हमारे काबिल फख्र आला तालीम याफ्ता और पेशा वाराना सलाहियतों के हामिल असातिज़ा अजीम मकासद और बेहतरीन नतायज के हुसूल के लिए कोशां रहते हैं। नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत जैसे अजीम मकसद की तकमील के लिए तरबियती प्रोग्राम के जरिए असातिज़ा की बाकायदा तरबियत का एहतमाम किया जाता है। इस मकसद के हुसूल के लिए मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल की ज़ेर निगरानी मुल्क के नामवर इदारों से ताल्लुक रखने वाले माहरीन के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है।
गवर्निंग बॉडी कॉलेज के नजरिए और मकासद का तायुन करती है। वो तालीमी जरूरियात का तायुन और हुसूल यकीनी बनाती है और काबले अमल निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों की फ़ालियत में इदारे की मुआवनत करती है। कॉलेज 3 स्कूलों जूनियर, प्रेप और सीनियर स्कूल पर मुश्तमिल है। जूनियर स्कूल कॉलेज के बालाई हिस्से में चीड़ के दरख्तों के झुंड में चोटी पर वाके है, जो 1860 में इदारे के क्याम के साथ ही कायम हुआ। गवर्निंग बॉडी ने नई डॉर्मेट्रीज, क्लासरूम्स, डाइनिंग हॉल और खेलों के मैदान वगैरह में इजाफा किया ताकि इदारे के मुअय्यन तालीमी अहदाफ हासिल किए जा सकें। यहाँ 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे 1 से 4 जमात तक पढ़ते हैं। हर सेक्शन बैन अल-अक़वामी मिसाली क्लासरूम के उसूल को मद्देनजर रखते हुए औसतन 25 तलबा पर मुश्तमिल होता है। जूनियर स्कूल की सरबराह हेडमिस्ट्रेस हैं, जिनकी मुआवनत तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता असातिज़ा और दीगर अमला करता है ताकि नौखेज कौंपलों और फूलों की बेहतरीन नशो नुमा की जा सके। तालीम और तरबियत के इब्तदाई सालों ही से तलबा की अखलाकी और शख्सी तामीर को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। दीदा जेब फन तामीर की अलामत प्रेप स्कूल कॉलेज के वस्त में दिलकश दरख्तों के दरमियान वाके है। जूनियर स्कूल की तरह प्रेप स्कूल भी नए तामीर शुदा तालीमी ब्लॉक पर मुश्तमिल है, जिसमें निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के लिए इजाफी सहूलियात मुयसर हैं। प्रेप स्कूल में 9 से 12 साल के तलबा जमात 5वीं से 7वीं तक जेरे तालीम हैं, जिसकी सरबराही हेडमास्टर कर रहे हैं। सीनियर स्कूल 8वीं से 12वीं जमात बशमूल ओ लेवल के तलबा पर मुश्तमिल है, जिसकी सरबराही हेडमास्टर करते हैं। स्कूल को मुख्तलिफ हाउसेज में तकसीम किया गया है ताकि जाती नशो नमा, तालीमी फालियत और क्यादत के शऊर के साथ साथ तलबा के दरमियान सेहतमंद मुकाबलों में शिरकत के जरिए खेलों के जज्बे को फरोग दिया जा सके। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा को प्रीफेक्ट मुकर्रर किया जाता है और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं ताकि तालीमी सरगर्मियों और कॉलेज के मकासद को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। हाउस मास्टर्स बच्चों की तरबियत और उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं और बेहतरीन शख्सियत की तामीर के लिए हर मुमकिन रहनुमाई फराहम करते हैं। इससे उनकी अखलाकी तरबियत, मजबूत किरदार और क्यादत की उम्दा खसूसियात को निखारा जाता है। सीनियर स्कूल के तमाम हाउसेज डॉर्मेट्रीज और कॉमन रूम्स पर मुश्तमिल हैं। तलबा के लिए बाकायदगी से मुनज्जम तफरीही सरगर्मियों, खेल, तालीम, मबाहिस, समाजी सरगर्मियों और ड्रामा पर मुश्तमिल बैन-उल-अकामती मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। कॉलेज के तालीमी ढांचे की तकमील के लिए कोशा हाउसेज वो सुतून हैं जो आला मकासद के हुसूल के लिए अपने अहदाफ मुतय्यन करते हैं। हमारी फैकल्टी साइंस और आर्ट्स के शोबों में आला तालीम याफ्ता, तजर्बाकार और मुतहर्रिक असातिज़ा पर मुश्तमिल है। मुसाबकती और साजगार तालीमी माहौल के साथ साथ कॉलेज यकीन रखता है कि खेल हमारे नौजवानों को आला अहदाफ के हुसूल के लिए मुतहर्रिक और पुरजोश बनाते हैं। इस मकसद के तहत सालाना इंटर स्कूल मुकाबलों के साथ साथ मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों के साथ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स के मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाता है। खेलों के ये मुकाबले तलबा को सरगर्म रखने, अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने और बेहतरीन सलाहियतें बरूएकार लाने के लिए मुनाकिद किए जाते हैं ताकि वो कॉलेज के नारे कभी हिम्मत ना हारो की अमली तस्वीर बन सकें। तहसील इल्म की तहकीकी सरगर्मियों और खेलों के साथ साथ कॉलेज बाकायदगी से मौसीकी, ड्रामा और फनून लतीफा पर मुश्तमिल सरगर्मियों का एहतमाम भी करता है। इन हवालों से स्टूडेंट्स सोसाइटीज कायम हैं ताकि तलबा के दरमियान सेहतमंद और मुफीद मुकाबले मुनक्कद होते रहें। यहाँ तालीम अमली जिंदगी के लिए तैयारी का नाम है। कॉलेज तमाम तर कौमी जज्बे, जोशो खरोश
और गैलियंस की सच्ची लगन के साथ यौम पाकिस्तान और यौम अर्ज मनाने और फनून लतीफा की नुमाइश मुनाकिद करने में हमेशा फख्र महसूस करता है। लॉरेंस कॉलेज एक मुनफरद इदारा है जहां रिवायात और जिंदगी भर की महारतों का खूबसूरत इम्तजाज मिलता है। हमारा मकसद एक खुशगवार माहौल मुहैया करना है जहां तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अखलाकी, जिस्मानी और मुआशरती तरबियत का ख्याल भी रखा जाता है, ताकि हमारे बच्चे मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। हमारा बुनियादी मकसद नौजवान गैलियंस में फाल, मुतजस्स और तख्लीकी अजहान की तश्कील के साथ साथ मिलजुल कर काम करने की आदत को फरोग देना और कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। हम नौजवान तुलबा की किरदार साजी को यकीनी बनाते हैं और इसके साथ साथ उनमें दयानतदारी, हुबुल वतनी, समाजी खिदमत और हमदर्दी जैसे एहसासात के फरोग के लिए सरगर्म अमल हैं। हम नौजवान गैलियंस की शख्सियत साजी के लिए मेहरबान, शफीक और दोस्ताना माहौल मुहैया करने के लिए पुरअज़म हैं। हमारा नस्बुलैन नौजवान गैलियंस में तनवो, इज्तमाईयत, इंसानी मुसावात और हर किस्म के तासुबात से दूरी जैसी इकदार के लिए एहतराम पैदा करना है। लॉरेंस कॉलेज अपनी तर्ज का एक बेमिसाल इदारा है। कभी हिम्मत ना हारो, अपनी जात पर एतमाद करने में कभी हिम्मत ना हारो, अपने मकसद और रास्ते की तलाश में कभी हिम्मत ना हारो, दुनिया की खोज में कभी हिम्मत ना हारो, अपने अहदाफ के हुसूल में कभी हिम्मत ना हारो, बुलंद मकासद के हुसूल में कभी हिम्मत ना हारो, बुलंदियों के हुसूल में कभी हिम्मत ना हारो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र बुलंद चोटियों के साथ इस्तादा है। जब तक दुनिया बाकी है, दुनिया पर अपना नक्श सब्त करने में कभी हिम्मत ना हारो। आप इस दुनिया में सिर्फ एक बार सफर करते हैं, सो नेमतों से भरपूर दुनिया में कभी हिम्मत ना हारो। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। न पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे रह गुजार बैठा सितम कशे इंतजार होगा। आजाद की नियामत दी है।